नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज की इस वीडियो में जो यूनिवर्सिटी व कॉलेज छात्रों के लिए जो आज की लेटेस्ट व न्यू अपडेट निकल के आ रही है उसके बारे में। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली, तो संपूर्ण जानकारी के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। इस वीडियो में तीन बड़ी अपडेट आई हैं अलग अलग छात्रों के लिए, यानी कि अलग अलग यूनिवर्सिटी से, तो एक एक करके हम तीनों बड़ी अपडेट आपको बताएंगे, ठीक है। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी से कोई ना कोई अपडेट निकल आए, नहीं होगी तो आप भी अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट में लिखिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहली अपडेट की ओर। जो पहली अपडेट है उसके बाद बढ़ेंगे सेकेंड और थर्ड की ओर। ये आ रही है कि कोटा यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उनका जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया गया है और कोटा यूनिवर्सिटी के छात्र जो हैं वो अपना एडमिट कार्ड जो कोटा की ऑफिशियल यूनिवर्सिटी की जो साइट है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पर आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी। अगर आपको इसके बारे में अधिक जानना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां पर मैं सारी डिटेल डालूंगा कि परीक्षाएं कब से, एडमिट कार्ड कहां डाउनलोड करना, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। फिलहाल आप लोग इतने टैलेंटेड हैं कि आसानी से आप लोग अपना एडमिट कार्ड ऑनलाइन कोटा की यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करिएगा। चलिए बात करते हैं अगली जो अपडेट आई है अलग अलग यूनिवर्सिटी से उसके बारे में। जो अगली अपडेट है वो आई है BHU। आप सभी को मालूम है कि BHU को बहुत सारे छात्र हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर लिखा कि जो UG यानी कि BA BSc BCom वाले जो छात्र हैं, ठीक है, BA BSc BCom वाले PG कोर्सेज में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू यहाँ करें अप्लाई, यानी कि जो BA BSc BCom और PG वाले जो छात्र हैं उनके लिए जो प्रवेश की तो तैयारी कर रहे थे, यानी प्रवेश का आवेदन जो करना है उन्हें, वो कर सकते हैं। उसके लिए ऑन हो चुकी है साइट, ठीक है, और आप लोग आसानी से कर सकते हैं। और हम आपको डिटेल में थोड़ा समझा देते हैं। लिखा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि वही BHU के स्नातक अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट UIT और स्नोत्तर पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट PET कोर्सेज में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। जो अभ्यर्थी प्रवेश के इच्छुक हैं योग्य हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 6 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि आवेदन शुल्क 7 सितंबर तक जमा कर सकते हैं। आवेदन का स्टेप ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर आप लोग वेबसाइट का नाम है पर दिया गया है, तो आप लोग 7 सितंबर तक लास्ट डेट है। आप लोग फीस की डेट है वो 7 है और जो अप्लाई की डेट है वो 6 सितंबर है, तो इससे पहले आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा जो भी छात्र हैं अंडर ग्रेजुएट यानी BA BSc BCom और MA MSc MCom वाले, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको बता दूँ जो ये एडमिट कार्ड है या फाइनल ईयर के वाले छात्रों के लिए, जो अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं BA BSc BCom के, तो वो डाउनलोड कर सकते हैं, उन्हीं के पेपर होंगे। हालांकि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आप सभी को मालूम है कि प्रमोट हुए हैं। अब दो अपडेट हो गए, बढ़ते अगली यूनिवर्सिटी की ओर जो अपडेट आ रहे हैं उसके बारे में। और हम आपको बता दें कि BBEO यहाँ पर लिखा है कि जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी सबसे बड़ा अनाउंसमेंट उन्होंने किया। लिखा कि लखनऊ में प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 6 सितंबर है, यानी कि इस यूनिवर्सिटी में जो आवेदन की तिथि है वो भी 6 सितंबर ही रखी गई है। तो आप लोग जल्द से जल्द, अगर इस यूनिवर्सिटी या इससे समृद्ध कॉलेज के छात्र हैं, तो जल्द से जल्द अपना प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सारी जानकारी आपको दी गई है फुलफिल, ठीक है, यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा डिटेल में। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। अब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।